देश की अर्थव्यवस्था को झटके के सबूत, 5.7 पर पहुंची विकास दर, पिछली तिमाही में 6.1% पर था आंकड़ा। 3 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर जीडीपी विकास दर, नोटबंदी के असर के कयास। 2.4% पर पहुंची 8 कोर सेक्टरों की विकास दर, पिछले साल जुलाई में 3.1% पर था आंकड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी की वजह से घटा विकास दर, सरकार का दावा, सर्विस सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज की रफ्तार भी धीमी, पिछले साल के 9.4 के मुकाबले 6.4% पर आंकड़ा। भारी बारिश के कहर के बाद मुंबई में बड़ा हादसा, 117 साल पुरानी इमारत के गिरने से 21 की मौत। करीब 12 घंटों से जारी है राहत और बचाव का कार्य, एनडीआरएफ की टीम ने संभाल रखा है मोर्चा। राहत बचाव कार्य में 6 दमकल कर्मचारी जख्मी, अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। हादसे के वक्त जोरदार धमाका, चश्मदीदों के अनुसार आसमान में उठा धुएं का गुबार। हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा 1 साल पहले ही दिए गए थे बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर। इस प्रोजेक्ट को मान्यता दी गई, उसके बाद इस बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए, इसके लिए नोटिस दी गई थी। ये धोखादायक बिल्डिंग है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इसको अंतिम नोटिस भी दी गई थी। भिंडी बाजार के पकमोडिया स्ट्रीट में है हुसैनी बिल्डिंग, नोटिस के बाद भी खाली करने से लोगों ने इनकार किया था। बिल्डिंग हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी ने माडा और सैफी ट्रस्ट पर सवाल उठाए, हाईकोर्ट के जज से जांच की मांग की। राम रहीम की सुरक्षा में तैनात हरियाणा पुलिस के 5 कमांडो बर्खास्त, अदालत के फैसले के बाद बाबा को की थी भगाने की कोशिश। सरकार ने तैयार की राम रहीम की संपत्तियों की फहरिस्त, 1200 करोड़ रुपए की जमीन पर मालिकाना हक। राम रहीम की संपत्ति से की जाएगी हिंसा के दौरान नुकसान की भरपाई, वसूले जाएंगे 204 करोड़। राम रहीम के गुंडों ने रेलवे को पहुंचाया 50 करोड़ का नुकसान, सेना और अर्धसैनिक बल वसूलेंगे 45 करोड़। राम रहीम के पैतृक गांव में सच्चा सौदा की विरासत को लेकर माथापच्ची, मां नसीब कौर, बेटा जसमीत सिंह के बीच गुफ्तगू हुई। राम रहीम ने जेल प्रशासन को सौंपी मुलाकातियों की लिस्ट, मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम गायब। अलग सेल में रखा गया है राम रहीम, पत्थर के बिस्तर पर कटती है रात, रोहतक जेल से रिहा हुए स्वदेश किराड ने सुनाई कहानी। 14 दिनों के लिए जेल भेजे गए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, बच्चों की मौत मामले में हुई है गिरफ्तारी। गोरखपुर में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, 24 घंटे में 13 मासूमों की मौत, 96 घंटे में 76 बच्चों की गई जान। कुर्सी संभालने के बाद पहली बार गाजियाबाद पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास। स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मुख्यमंत्री के सामने अभिभावकों का प्रदर्शन, सीएम का भरोसा, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। यूपी में गौशाला बनाने पर जोर, 16 नगर निगम और 7 जिलों के लिए मुख्यमंत्री ने जारी किया आदेश। यूपी में बदली बीजेपी की कमान, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे होंगे नए अध्यक्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश की पार्टी बुलंदियों पर है, उसे और ऊंचाइयों पर ले जाना मेरी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमित शाह, कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा के कयास, कल या परसों होगा मंत्रिमंडल में बदलाव। कल से वृंदावन में आरएसएस की समन्वय बैठक, बीजेपी के दिग्गजों समेत 41 संगठनों के नेता करेंगे शिरकत। आरएसएस समन्वय बैठक के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वृंदावन के केशव धाम में यूपी पुलिस के सीआरपीएफ और एनएसजी की भी तैनाती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह, सूबे के राजनीतिक हालात पर चर्चा।
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं वीरभद्र सिंह, कांग्रेस आला कमान के सामने रखी सुखविंदु सुखू को हटाने की मांग। बिहार कांग्रेस के कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने की अफवाह से हड़कंप, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राज्य के नेताओं की बैठक। श्रीलंका के दौरे पर हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, श्रीलंकाई विदेश मंत्री से मुलाकात। भारत के दौरे पर हैं स्विस फेडरेशन की राष्ट्रपति डोरिस ल्यूथार्ड, प्रधानमंत्री मोदी के साथ औपचारिक बातचीत। भारत और स्विट्जरलैंड ने काले धन को लेकर जताया संकल्प, दोनों देशों के बीच सूचना का आदान प्रदान बढ़ाने पर सहमति। अमेरिका ने शर्तों के साथ पाकिस्तान को दी $255 मिलियन की मदद, कहा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तभी मिलेगी रकम। पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की हत्या केस में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दो अधिकारियों को माना दोषी, 17 साल कैद की सजा। हाफिज सईद ने नजरबंदी को लेकर फैसले को कोर्ट में फिर दी चुनौती, पाक की पंजाब सरकार ने 60 दिन बढ़ाई है मियाद। टेरर फंडिंग केस में कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई शब्बीर शाह की न्यायिक हिरासत, जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। डॉक्टरों के झगड़े के बाद उमेद अस्पताल का नया फरमान, ओटी समेत कुछ खास जगहों पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी। जोधपुर के उमेद अस्पताल पहुंचे जिले के कलेक्टर, मरीजों से मिली भ्रष्टाचार और घूसखोरी की ढेरों शिकायतें। बिहार में गया के चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फैसला, जेडीयू की निलंबित नेता मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव दोषी करार। रॉकी के साथ पिता बिंदी यादव, बॉडीगार्ड राजेश कुमार, चचेरा भाई टिन्नी यादव भी दोषी करार, 6 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। 7 मई 2016 को रोडरेज में रॉकी यादव ने की थी आदित्य की हत्या, सचदेवा के परिवार ने फैसले पर जताया संतोष। अदालत के फैसले के बाद बढ़ाई गई आदित्य सचदेवा के घर की सुरक्षा, परिवार वालों ने जताया नीतीश सरकार पर भरोसा। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मंत्री के सामने टीआरएस के एक कार्यकर्ता ने खुदकुशी की कोशिश की, नजरअंदाज किए जाने से नाराज था। जयपुर में पुलिस की घेराबंदी से निकल भागा हिस्ट्री शीटर, फिल्मी अंदाज में फरार। दिल्ली और फरीदाबाद में विदेशी पोस्ट ऑफिसों पर डीआरआई का छापा, 15 करोड़ रुपए कीमत की तस्करी का माल बरामद। डीआरआई ने विदेशी पोस्ट ऑफिसों से बरामद किया 8.5 करोड़ का 28 किलो सोना, 5 करोड़ कीमत के स्टेरॉइड्स। हांगकांग, दुबई, टर्की, इंडोनेशिया से आए तस्करी के पार्सल, अंडरगार्मेंट्स, खिलौने, बेल्ट, टी शर्ट में छिपा कर रखे थे सामान। महाराष्ट्र के वाशिम में 18 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में पूर्व पार्षद के पास से करीब 150 ग्राम हेरोइन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख के करीब कीमत। चंडीगढ़ के एक 5 सितारा होटल पर पुलिस का छापा, जुआ खेलने के आरोप में 32 गिरफ्तार। देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में पति राजेश गुलाटी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान। हैदराबाद में क्रिकेटर अंबाटी रायडू की दादागिरी का वीडियो वायरल, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से मना करने पर बुजुर्ग को लगाया थप्पड़। दिल्ली में ई रिक्शा ने 5 साल के बच्चे को कुचला, अस्पताल में मासूम की मौत। वडोदरा में एक ज्वेलरी दुकान में 3 लाख कीमत के मंगलसूत्र की चोरी, 3 महिलाओं ने बुरखे की मदद से वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर में हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत, लोगों ने जमकर हंगामा किया, हाईवे पर जाम। नाकाम रहा पीएसएलवी C-39 का प्रक्षेपण, इसरो के मुताबिक अलग नहीं हुआ हीट शील्ड। डीआरसी ने किया बिजली की नई दरों का ऐलान, उपभोक्ताओं को 3.7% का झटका, फिक्स चार्ज में फेरबदल। आम्रपाली के 40,000 घर खरीदारों को अगले 2 साल में दिलाया जाएगा घर, 2 साल तक नहीं करना होगा भुगतान, यूपी सरकार ने भरोसा दिया। को डेवलपर्स के जरिए पूरे किए जाएंगे प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई और आम्रपाली समूह के प्रस्ताव को मंजूरी। नवंबर से हर महीने जेपी के 600 घर खरीदारों को मिलेगा आशियाना, यूपी के मंत्री समूह ने भरोसा दिया।
14-15 सितंबर को नोएडा ग्रेटर नोएडा में फिर आएंगे यूपी सरकार के 3 मंत्री, छोटे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए निकाला जाएगा रास्ता। बैड लोन के मुद्दे पर जेटली की 2 टूक, सुलझाने में वक्त लगेगा, जादुई हल निकालना मुमकिन नहीं। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री ने पिछले साल 14% की दर से किया विकास, करीब 3 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। 84 अंक बढ़कर 31,730 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 33 अंक बढ़कर 9,917 पर बंद। 50 रुपए तोले की गिरावट के साथ 30,050 रुपए हुआ सोने का भाव, चांदी में 100 रुपए की गिरावट। 4 महीने बढ़ाई गई आधार को पैन से लिंक करने की मियाद, अब 31 दिसंबर तक पूरी कर सकते हैं कवायद। उड़ीसा में स्वाइन फ्लू का कोहराम, अब तक 31 लोगों की मौत। भारत के 376 रन के विशाल स्कोर के आगे लड़खड़ाई श्रीलंका की पारी, 37 रन पर पवेलियन लौटे 3 विकेट। कोलंबो वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने खड़ा किया रनों का पहाड़, टीम इंडिया ने बनाए 375 रन। कोलंबो वनडे में विराट कोहली और रोहित ने ठोकी सेंचुरी, टीम इंडिया के कप्तान ने बनाए 131। दिल्ली में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, लेकिन शहर में कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर लंबा जाम, घंटों परेशान होते रहे लोग।